फ्रेंड, नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 आपका क्या है? दैट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मींस क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 6 से न्यू चैप्टर से एक्सपोनेंट को हम और क्या क्या बोल सकते हैं। एक्सपोनेंट मींस, एक्सपोनेंट को आप पावर भी बोल सकते हैं, एंड देन इसको हम सर्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम सर्ज भी बोल सकते हैं। तो एक्सपोनेंट मींस पावर, एक्सपोनेंट मींस सर्ज। फर्स्ट वी राइट, सपोज मैंने आपको इसे राइट किया 7 और इसके ऊपर ये इस टाइप से इसको राइट किया, तो ये जो 7 है ये आपका क्या कहलाएगा? बेस। और ये जो इसके ऊपर लगी इसको हम क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। या फिर हम इसको क्या बोलते थे? 3 को हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। बट हम इसको राइट, हमको रीड करना है, तो हम इसको क्या रीड, किस टाइप से रीड करेंगे? 7 to the power 3। क्या राइट करेंगे, रीड करेंगे हम इसको? 7 to the power 3। ओके, इस टाइप से हम इसको रीड कर सकते हैं। जैसे मैंने सपोज लिखा 3/5, इसकी पावर मैंने लगा दी 3, तो इसका बेस क्या हो जाएगा? बेस इक्वल टू, ये जो पूरा 3/5 लिखा हुआ है इसका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और इसकी जो पावर एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? एक्सपोनेंट इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। तो इसको हम रीड कर रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे? 3/5 to the power 3। 3/5 to the power 3। 3/5 to the exponent is 3। इस टाइप से हम इसको रीड कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सपोनेंट होती है उसको हम पावर भी बोलते हैं, सर्ज भी बोल सकते हैं। जो उसका नीचे का नंबर होता है उसको हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बेस। एंड जो ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? पावर या एक्सपोनेंट। ओके, उसके बाद आता है कि अगर हमने -1 के फॉर्म में या कुछ नंबर्स लेते हैं हम, जैसे मैंने राइट किया यहाँ पर -1। ओके, अब -1 के प्लेस पे, माइनस के प्लेस पे माइनस तो रहेगा ही, पर 1 के प्लेस पे 2, 3, 4 xyz कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं। अगर -1 की पावर ओड नंबर में हो, कौन से नंबर में हो? ओड नंबर में हो, तो यहाँ पर आंसर भी कहीं में आएगा आपका माइनस ही आएगा। बट अगर -1 की पावर इवन नंबर में, कौन से नंबर में हो आपकी पावर? इवन नंबर में, तो आंसर का एंड चेंज हो जाएगा आपका प्लस में। मतलब ये माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा। आपको ये कंसेप्ट भी ध्यान में रखना है -1 के लिए, ठीक है? अगर -1 की पावर ओड नंबर में पावर होगी तो माइनस का साइन लगेगा, बट अगर -1 की पावर इवन नंबर में होगी तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब इसका आपको, इसमें मैंने कभी कंसेप्ट राइट किया है तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, बट मैंने जैसे क्वेश्चन लिखा आपका -1 to the power 3। ओके, अब ये 3 कैसा नंबर है आपका? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो -1 पावर लगेगा। अगर मैंने लिखा -1 की पावर 2, 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर, इवन नंबर में पावर है तो माइनस पावर माइनस कट जाएगा, तो सिर्फ क्या आएगा आपका 1। इज इट क्लियर? इस टाइप से ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। -1 की पावर ओड नंबर में तो माइनस लगता है, -1 की पावर इवन नंबर में तो माइनस क्या हो जाता है? हट जाता है। अब इसमें बेस या कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सपोनेंट पावर की, तो आपको समझ में आ गया कि क्या होती है पावर, क्या बेस होता है, किस टाइप से नंबर्स हमको राइट करें। तो क्वेश्चंस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको ये समझ में आएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका रिटन टाइप में है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पेज नंबर 58 आप ओपन करें अपनी बुक का। पर मैं जो आपको बता रही हूँ आपको बोर्ड पर ध्यान रखना है कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया, जब तक मैं पूरा एक्सप्लेन ना करूं तब तक आपको राइट नहीं करना। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको राइट करना है। अब हम कैसे राइट कर सकते हैं मैं आपको सिखाती हूँ कि इसको एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट में कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे 3/11 × 3/11 × 3/11 × 3/11 × 3/11 × 3/11 × 3/11 ओके, इस टाइप से मैंने इसको राइट कर दिया। अब आपको बोल रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको इसको राइट करना है, नोटेशन में राइट करना है, तो हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारा जो नंबर है बेस है वो 3/11 है, ये हमने राइट किया, इसको ब्रैकेट में राइट किया हमने। देन हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6,
थ्री बाय इलेवन सेवन टाइम्स आ रहा है, तो ये इसकी पावर भी कितनी लग जाएगी आपकी सेवन। तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में राइट किया, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। थ्री बाय इलेवन इज अवर बेस एंड सेवन इज अवर पावर। इस टाइप से हम आंसर को राइट कर सकते, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, -4 -4 काउंटिंग आप कर लीजिए कितने टाइम्स अपेयर हो रहा है, -4 1 2 3 4 टाइम्स, -4 टू दी पावर 4। इस टाइप से आप उसको राइट कर सकते। अब उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आप बोलेंगे इसमें हम कैसे काउंटिंग करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो डिजिट दिया है 1 2 3 4 5 6, मतलब कितनी जीरो आ रही है आपकी 6, तो आप इसको कैसे राइट करेंगे। सबसे पहले हमने बेस तो आप इसका 10 ले, कितना बेस ले लिया आपने इसका 10। अब आप काउंटिंग कर लेंगे डिजिट 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट आ रही है 6, तो इसको ब्रैकेट में लिख के इसकी पावर कितनी लगा दी हमने 6। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 to the power 6 भी राइट कर सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही सिंपल है, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। अब इसको आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में राइट करना है, तो हम पहले x की बात करते हैं, तो x कितनी टाइम्स है 1 into 2, इसकी पावर 2 राइट कर दी। y कितनी टाइम्स आ रहा है आपका 2 टाइम्स आ रहा है, तो y टू की पावर कितनी आएगी 2। एंड z 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स अंडरस्टूड होता है कि अगर हमें उसके ऊपर कोई पावर राइट की थी तो वो नंबर्स की पावर क्या है 1, वो अंडरस्टूड है। तो x टू दी पावर 2, y टू दी पावर 2 एंड z टू दी पावर 1, इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं राइट कर सकते। उसके बाद आते हैं आपके शॉर्ट आंसर, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल इन पावर नोटेशन। अब इस टाइप के नंबर को तो हमने इजीली पावर नोटेशन में राइट कर लिया, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम उसको डायरेक्टली पावर नोटेशन में राइट नहीं कर सकते, तो अगर हम उसको डायरेक्टली पावर नोटेशन में राइट नहीं कर सकते तो उसको हमको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम उसको पावर नोटेशन में क्या करेंगे राइट करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शॉर्ट आंसर का फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ 256। अब आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल इन पावर नोटेशन, मतलब आपको इसको पावर नोटेशन में राइट करना है। अब पावर नोटेशन में राइट करने के लिए पहले इस नंबर्स का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में तो आपको डायरेक्टली इनटू करके दिया हुआ था, तो इसलिए हमने इजी टू उसको फाइंड आउट कर लिया। 2 से कैंसिल होगा 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, फिर 2 से कैंसिल होगा 2 6 12, 2 4 जाए, फिर 2 से कैंसिल होगा 2 3 6, 2 2 4, 2 से कैंसिल होगा 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 जाए, 2 2 4 एंड 2 1 का। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब इसको आप कैसे ऐड करेंगे सॉल्यूशन में, ये प्राइम 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आ रहा है, तो 256 इक्वल टू 2 into 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 2, ये 8 टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स आ गया। इसको क्या करेंगे हम, 2 बेस हो गया, 8 टाइम्स काउंटिंग हमने कर ली, तो इसकी पावर कितनी लगा रही है हम 8। इस टाइप से ये हमारा आंसर है, ये 2 to the power 8 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, इस टाइप से हम क्वेश्चंस को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करके उसको क्वेश्चन नोटेशन में कर सकते हैं, पावर नोटेशन में उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर रेशनल नंबर्स हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के भी नंबर्स हो, तो उसको भी हमको इसी मेथड से सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता देती हूँ आपको कि किस टाइप से करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, उसमें भी इस टाइप से उन्होंने आपको रेशनल नंबर्स गिवन है, अलग प्राइम फैक्टराइजेशन, टू प्राइम फैक्टराइजेशन हम फाइंड कर लेते हैं 81 3
थ्री टू जा सिक्स, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री से करेंगे थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री। अब टू फिफ्टी सिक्स क्या करते हैं, टू से जाएगा ये, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू एट जा सिक्सटीन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू फोर जा एट, टू थ्री जा सिक्स, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू एट जा सिक्सटीन, टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, जैसे हमने पहले किया था। अब इसको आप राइट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जैसे सॉल्यूशन हम बना रहे हैं इसका, तो 81 है तो 81 के प्लेस पे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर अपॉन में 256 को 8 टाइम्स 2 राइट करना है। 8 टाइम्स क्या राइट करना है हमको, अब इसको पावर रोटेशन में लिखेंगे तो 1 2 3 4, 3 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी 8। इस टाइप से हमारा ये आंसर है, मतलब ऐसा नहीं कि रेशनल नंबर आ गया हम उसको कैसे फाइंड आउट करें, आप न्यूमरेटर का अलग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का अलग फैक्टराइजेशन। इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसके जो क्वेश्चन रिमेनिंग है वो आपको होमवर्क में करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ सेकंड क्वेश्चन ई वेरिएट कर रहा हूँ, ई वेरिएट कैसे किया जाता है, डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन भी है तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके,